नमस्कार। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष फल से रिलेटेड कंसेप्ट पर। किसी भी नेटिव के एक गिवन ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कैसा जाने वाला है, उसके लिए हम उसकी वर्ष फल कुंडली को देखकर बता सकते हैं। जब भी हम किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करना चाहते हैं, एक्यूरेट टाइम निकालना चाहते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट में वर्ष फल कुंडली बहुत ही सक्सेसफुल होती है। वर्ष फल कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसे देखने में हम बहुत सारी चीज़ें वही यूज़ करेंगे जो हम पाराशरी में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे अलग भी यूज़ करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है यहाँ पर वर्ष फल कुंडली एवं दृष्टि या एस्पेक्ट इन वर्ष फल। हमें मालूम है कि पाराशरी में डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट हम यूज़ करते हैं। पाराशरी में अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। सभी प्लैनेट सेवेंथ हाउस में एस्पेक्ट करते हैं, और मार्स, जुपिटर और सैटर्न के अलग से भी एस्पेक्ट होते हैं। वर्ष फल कुंडली को देखते टाइम एस्पेक्ट का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा। जो हम पाराशरी या जैमिनी में एस्पेक्ट यूज़ करते हैं वो वर्ष फल कुंडली में यूज़ नहीं करेंगे, अलग तरीके के एस्पेक्ट होंगे। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं चार्ट के बेस पर बताऊंगा। आप यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं। एस्पेक्ट या दृष्टि को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट होता है फ्रेंडली एस्पेक्ट, एक पार्ट होता है आपका इनिमिकल एस्पेक्ट, और एक पार्ट होता है आपका न्यूट्रल एस्पेक्ट, मतलब मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और आपका न्यूट्रल सम दृष्टि। तीन तरह की दृष्टि होती है। अब ये सभी मित्र और शत्रु या फ्रेंड और इनिमिकल एस्पेक्ट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है ओपनली एस्पेक्ट, खुलेआम, और एक होता है सीक्रेट एस्पेक्ट। तो एक ओपनली एस्पेक्ट होगा, दूसरा आपका सीक्रेट एस्पेक्ट होगा। तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये फ्रेंडली एस्पेक्ट है या इनिमिकल एस्पेक्ट है या आपका न्यूट्रल एस्पेक्ट है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेंडली एस्पेक्ट की। कोई भी दो प्लेनेट एक दूसरे से 3, 5, 9 और 11वें हाउस के अंदर हो, मतलब वो कुंडली के 3, 5, 9 और 11वें हाउस में होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे से। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये सन है और सन से आप जुपिटर को देखिए, जुपिटर को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3। तो सन से जुपिटर तीसरे हाउस में है और जुपिटर से सन 11th हाउस में हो गया आपका। तो कोई भी दो प्लेनेट एक दूसरे से तीसरे, पांचवें, सातवें और ग्यारहवें घर में प्रेजेंट हो तो उस एस्पेक्ट को फ्रेंडली एस्पेक्ट कहते हैं। अब फ्रेंडली एस्पेक्ट में फिर दो पार्ट हैं, एक ओपनली खुलेआम और दूसरा होता है सीक्रेट गुप्त फ्रेंडली या मित्र दृष्टि। इसको हम ओपनली या खुलेआम मित्र दृष्टि बोलेंगे यदि दो प्लेनेट एक दूसरे से पांचवें और नवें भाव में हो, एक दूसरे से पांचवें और नवें भाव में हो। एक प्लेनेट दूसरे से पांचवें में होगा तो दूसरा उससे नवें भाव में हो जाएगा। जैसे एक प्लेनेट सपोज यहां पर है और दूसरा इस जगह पर बैठ गया तो वो दोनों के बीच में फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा, मित्र दृष्टि होगी और ओपनली मित्र दृष्टि होगी। ओपनली का मतलब है वो एक दूसरे की खुलेआम सबके सामने हेल्प करेंगे। ओपनली का मतलब ऐसा होता है छुपके नहीं हेल्प करेंगे, जैसे हम किसी की मदद करना चाहें और सभी लोगों के सामने मदद कर पाए वो ओपन हो गया। इसी तरीके से यदि वो एक दूसरे से 3-11 में हो तब भी वो फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा, मगर उसे सीक्रेट फ्रेंडली एस्पेक्ट बोलेंगे। अभी भी वो एक दूसरे के दोस्त होंगे मगर ओपन नहीं होंगे, गुप्त रूप से वो एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पे 3-11 का इस चार्ट के अंदर बिल्कुल एग्जांपल है। देखिए आपका सन एंड मरकरी आर 11th फ्रॉम जुपिटर एंड जुपिटर इज थर्ड फ्रॉम सन एंड मरकरी, तो इनके बीच में आपका फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा, मगर 3-11 एस्पेक्ट को हम गुप्त या सीक्रेट फ्रेंडली एस्पेक्ट बोलते हैं। अब हम दूसरी टॉपिक पर आते हैं, इसी के सेकंड टाइप ऑफ एस्पेक्ट जिसे शत्रु दृष्टि
या इनिमिकल एस्पेक्ट बोलते हैं, शत्रु दृष्टि या इनिमिकल एस्पेक्ट। यह होता है जब प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में हो, केंद्र में हो, क्वाड्रेंट में हो एक दूसरे से, तो उनकी दृष्टि को हम शत्रु दृष्टि या इनिमिकल एस्पेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर आप देख लीजिए सन और मून, तो सन से हम काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, मून इज इन फोर्थ हाउस, और आगे चले जाइए 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मार्स भी 10th हाउस में हो गया। तो सन से मून भी आपका केंद्र में है, मार्स भी केंद्र में है, मार्स से सन को देखोगे तो मार्स से सन भी केंद्र में होगा, और मार्स से आप मून को देखोगे तो वो भी केंद्र में है, 7th हाउस में है। दोनों एक दूसरे से यदि केंद्र में हो, 1, 4, 7 या 10वें घर में हो एक दूसरे से, 1, 4, 7 या 10वें भाव में हो, तो उस एस्पेक्ट को इनिमिकल या शत्रु एस्पेक्ट बोलते हैं। अब जैसे फ्रेंडली एस्पेक्ट के दो पार्ट थे, शत्रु एस्पेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ओपनली, खुलेआम, और एक होता है आपका सीक्रेट, गुप्त। ओपनली शत्रु एस्पेक्ट हो जाता है दो प्लेनेट एक दूसरे से 1 और 7 घर में हो, 1, 7। यहाँ पे यदि आप 1, 7 का एग्जांपल देखना चाहो तो मून एंड मार्स, आप देख लीजिए मून और मार्स, राहु केतु कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, राहु केतु को जनरली एस्पेक्ट हम कहीं भी नहीं कंसीडर करते। तो मून और मार्स देखोगे तो दोनों से 1 और 7वीं पोजीशन पे हैं, मून से मार्स 7वीं पोजीशन पे है, मार्स से मून 7वीं पोजीशन पे है, तो 1, 7 पोजीशन होगी। इसको हम बोलेंगे ओपनली, खुलेआम शत्रु एस्पेक्ट हो गया है, मतलब एक दूसरे के ओपनली शत्रु की तरह एस्पेक्ट करेंगे। अब आ जाता है आपका सीक्रेट इनिमिकल एस्पेक्ट, यदि वो आपका एक दूसरे से 4, 10 पोजीशन में हो, 4, 10 पोजीशन में हो, तो यहाँ पे मार्स और सन को यदि आप देखोगे तो वो एक दूसरे से 4, 10 पोजीशन में है। इसी तरीके से सन एंड मून को देखोगे तो वो एक दूसरे से 4, 10 पोजीशन में है। मरकरी और मून को देखोगे वो भी एक दूसरे से 4, 10 पोजीशन में है। मरकरी और मार्स को देखोगे वो भी एक दूसरे से 4, 10 पोजीशन में है। ऐसा एस्पेक्ट आपका सीक्रेट इनिमिकल एस्पेक्ट होगा। तो इनिमिकल एस्पेक्ट भी या शत्रु दृष्टि भी दो तरह की होती है, दोनों एक दूसरे से एक साथ पोजीशन में हो तो उसको ओपनली इनिमिकल बोलते हैं, और 4, 10 पोजीशन में हो तो उसको आपका सीक्रेट इनिमिकल एस्पेक्ट बोलेंगे। अब बच गया तीसरी चीज जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, और वो सम, और वी कैन से नो एस्पेक्ट। इसको हम कोई एस्पेक्ट मानते ही नहीं है, वो एक दूसरे पे कोई भी असर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जब दो प्लेनेट एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो वो उन हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेंडली का मतलब फ्रेंडली वे में इन्फ्लुएंस करेंगे, और इनिमिकल का मतलब वो आपके शत्रु या इनिमिकल वे में उसको प्रभावित करेंगे, दूसरे घर को जिसको भी वो देख रहे हैं, जिस भी प्लेनेट को देख रहे हैं उसको इफेक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अब यदि वो एक दूसरे से 2, 12 या 6, 8 पोजीशन में आ जाए तो इसको हम कोई भी एस्पेक्ट नहीं मानते, यहाँ पर उसे हम न्यूट्रल या सम एस्पेक्ट बोलते हैं। सम का मतलब कुछ भी नहीं होगा, ना वो एज ए फ्रेंड बिहेव करेंगे, ना ही एज ए एनिमी बिहेव करेंगे दुश्मन की तरह, तो वो एस्पेक्ट नहीं जैसा ही है, मगर उसको यहाँ पर न्यूट्रल एस्पेक्ट बताया हुआ है। जैसे वीनस और सन देख लीजिए, वीनस सन से 2nd हाउस में है और वीनस से सन 12th हाउस में है। जुपिटर और वीनस भी देख सकते हो, जुपिटर एंड वीनस। इसी तरीके से मून एंड जुपिटर भी आप देख सकते हो, वो एक दूसरे से 2, 12 पोजीशन में हो गए। अब सन एंड सैटर्न देखोगे तो वो 6, 8 पोजीशन है। सन से सैटर्न 8 पोजीशन में है और सैटर्न से सन 6 हाउस के अंदर चला गया, इसको हम न्यूट्रल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आज का मेरा टॉपिक था एस्पेक्ट का, तो एस्पेक्ट इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई भी अभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की ट्राई करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मुझे सुझाव और सजेशंस भेजिए जिससे मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। मेन ऑब्जेक्टिव ये इसमें बताना है केवल, ना कि इसको अट्रैक्टिव बनाना है। आपको समझ में आना चाहिए, यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।